हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मुझे कमेंट करना, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करना। और फेस्टिवल सीजन, दुर्गा पूजा, बस 10 दिन बाकी है करीबन, तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कि आप सबकी शॉपिंग कैसे चल रही है, कैसे क्या आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स, आज मुझे आप लोगों के साथ दो जो है गुड न्यूज़ मुझे शेयर करनी है, दो गुड न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, मतलब 1.5 साल 2 साल पुराने, तो आप लोगों को पता होंगे मैंने एक वीडियो शेयर की थी हमारे स्ट्रीट जो डॉग है उनको लेके। बादल गरज रही है, क्या आप लोगों को सुनाई थी? और मुझे सबसे जो डरावना चीज़ लगती है ना, ये बादल गरजना, बादल से मुझे बहुत डर लगती है। बाय द वे, जो मेन टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, हमारे इधर की जो स्ट्रीट डॉग है, कैट है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब मैं जितना उन लोगों को प्यार करती हूँ, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, स्ट्रीट डॉग हो जाए, कैट हो जाए। तो जब मेरी फीमेल डॉग 1 मंथ के थे, तभी से हमारे एरिया में थे, और अभी करीबन 2-2.5 साल हो चुके होंगे। तो फर्स्ट टाइम पप्पीज़ दिए थे 5, और 4 दिन पहले फिर से पप्पीज़ दिए हैं, और बहुत दूर में जाके एक सुरंग के अंदर जाके दिए हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे, अगर आप लोग वो पप्पीज़ को देखना चाहते हो, बहुत बहुत क्यूट हुई है, ब्राउनिश एंड वाइट कलर में, क्योंकि उसका जो मेल डॉगी थे, मतलब पप्पीज़ के पापा, वो जो है ब्राउन कलर में थे। तो जो भी हो, हाँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो देन मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप लोग बोलेंगे हाँ मुझे देखना है, कमेंट करके, देन जो है मैं उधर पे जाके आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करूँगी। और आप लोगों को भी मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के भी आसपास स्ट्रीट एनिमल्स है, डॉग है, कैट है, कुछ भी हो, आप लोगों से जितना हो पाए, अगर आप एक पेट्स ना भी रख पा रहे हो, तो उन लोगों को थोड़ी प्यार दीजिए। आप लोगों को उसके बदले में बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाली है, क्योंकि हमारे एरिया में जितने भी सारे स्ट्रीट डॉग्स है, मतलब जितना हो सकता है हमारे एरिया में, मैं कहीं पर भी चले जाओ, मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर जाती है। मतलब कोई इंसान साथ छोड़ दे, लेकिन ये जो एनिमल्स है, अगर आप थोड़ी सी भी प्यार देंगे, उससे आपको कहीं गुना प्यार ज़्यादा मिलेंगे। तो जो भी है, ये कोई मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रीट एनिमल्स के लिए करती हूँ या फिर ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप पप्पीज़ देखना चाहते हो, मुझे कमेंट जरूर करना। हाँ, बाय द वे, मुझे मेन जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ वो है, मेरी बनी जो है फिर से प्रेग्नेंट है। देखिए, बार बार प्रेग्नेंट होने के पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरे पास जो है 2 मेल रैबिट है, एंड दोनों ही एडल्ट हो चुके हैं। और जितनी भी मैं कोशिश करूँ फीमेल रैबिट को अलग रखने के लिए, अलग से नीचे के रूम में रखने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो 1.5-2 महीने मैंने अच्छे से, 1.5 महीने करीबन फीमेल रैबिट पिछले बार जब प्रेग्नेंट थे, उसके बाद 1.5 महीने मैंने रेस्ट पे रखी अच्छे से नीचे। और जब मैंने छत पे लेके गई, फिर अनफॉर्चुनेटली फिर से मेटिंग हो गई। तो 6 अक्टूबर को मैटिंग हुई है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कब डिलीवर करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से केयर कर पाती हूँ। अगर आप लोग भी पेट्स रैबिट रखना चाहते हो, अगर आप लोग नहीं चाहते हो बेबी बनीज, देन आप लोग मेल रैबिट रखिए या फिर सिंगल फीमेल रैबिट रखिए, ठीक है? तो यही सिंपल तरीका हो सकते हैं। और अगर आप लोग बेबी बनीज रखना चाहते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, केयर कर सकते हो, देन एक मेल रैबिट एंड एक फीमेल रैबिट आप लोग रख सकते हो। बहुत बकबक कर ली, तो ये रही 2 मेरी गुड न्यूज़, जो कि मेरी स्ट्रीट डॉग गुड्डू है, मेरे बच्चे, उनके जो ये पप्पीज डिलीवर कर दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो देन बोलना। एंड मेरी बनी फिर से प्रेग्नेंट है। तो ये रही गुड न्यूज़, आप लोगों को सुन के, जान के कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर करना। आई होप आप लोगों को भी जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।